पतंजलि आयुर्वेद की दलिया यूनिट है, यहाँ पर गेहूं के दलिये से लेकर के जो गेहूं, बाजरा, मूंग और चावल से और उसमें अजवाइन और जो है सफ़ेद तिल मिला करके जो मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए दलिया बनाया जाता है, पुष्टाहार दलिया और गेहूं का दलिया, ये यहाँ पर तैयार होता है। इसकी प्रतिदिन की क्षमता है 25 टन 24 घंटे में। ये प्लांट बहुत बड़ा है, पीछे तक कई सौ फिट दूर तक ये प्लांट फैला हुआ है। यहाँ उसकी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगी हुई है और दूर तक आप पीछे तक देख सकते हैं कि इसके स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है दूर तक, और ये पूरा प्लांट है दूर तक। तो यहाँ तिल डाला जाता है, गेहूँ डाला जाता है, और इधर जो है इसके अंदर ये चावल डाला जाता है, बाजरा डाला जाता है, मूंग डाला जाता है। ये इस तरह से जो पुष्टाहार दलिया है उसकी पूरी व्यवस्था है। तो जो पुष्टाहार दलिया है, आरोग्य दलिया है, और गेहूं के लिए तो मैंने आपको कहा ही कि पूरा का पूरा प्लांट जिसकी कुल क्षमता 200 टन प्रतिदिन की है, और पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है जो मशीन के द्वारा जो है कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होता है। इस आटा चक्की की विशेषता यह है कि जितने भी दूसरे मिल्स में आटा बनता है उसमें जो चोकर वाला जो भाग है वो पिसता नहीं है, उसको अलग कर दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो चोकर वाला भाग है वो आटे के साथ मिलता है। ये पूरे विश्व की अपने ढंग की पहली इकाई है जो कि आटा, वास्तव में जो पाट वाला जो आटा चक्की वाला जो प्रोसेस है, ये पहला प्लांट लगाया गया है। और इसमें कितना परसेंट आता वेस्टेज बचता है जो चोकर के रूप में? चोकर बचता है 3%, 2.5 से 3%। और दूसरी मिल में? दूसरी मिल में 5%, 6%, 8% तक चोकर निकलता है। तो इसमें चोकर की जो मात्रा है वो अधिकतम आपके आटे में होती है, और इसकी जो पिसाई का जो तरीका है उसमें आटे की गुणवत्ता नष्ट नहीं।